मेवात जिले के तावड़ू शहर की नई अनाज मंडी में एक व्यापारी की हत्या होने से हड़कंप मच गया। हादसे की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुट गई है। वीरेंद्र सिंह निवासी तावड़ू ने बताया कि नगर की नई अनाज मंडी में आड़त नंबर 60 पर उनके पिता किशन दत्त गुप्ता 80 वर्षीय अकेले ही रहते थे। बीती रात्रि पड़ोसी व्यापारी के माध्यम से उनके गोदाम का दरवाज़ा खुला होने की सूचना उन्हें मिली, जिसके बाद उनका पुत्र अनाज मंडी में गोदाम पर पहुंचा तो पिता किशन दत्त गुप्ता वहां से गायब थे और खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन देर रात तक उनका पिता का कोई सुराग नहीं मिला। तो उन्होंने बताया कि मंगलवार 3 बजे के करीब जब गोदाम के अंदर वह गए तो प्लास्टिक कट्टों में के बीच खून के लथपथ उनकी डेड बॉडी मिली, जिसके बाद वे घबरा गए और पुलिस को सूचित किया। घटना की सूचना मिलते ही सैर थाना प्रभारी ओमवीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके पर सभी एंगलों से जांच शुरू कर दी है। मृतक व्यापारी किशन दत्त गला घोटकर बेदर्दी से उसकी हत्या की गई। गोदाम का फर्श भी खून से लथपथ था। मामले में हत्यारों का अभी तक कोई सुराग नहीं पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है। तो वहीं नगर में व्यापारी की हत्या से अन्य व्यापारियों में भय का माहौल व गुस्सा है। आपको बता दें कि थाना प्रभारी ओमवीर सिंह ने बताया कि मंगलवार 3 बजे के करीब नई अनाज मंडी की आड़त नंबर 60 के गोदाम में एक डेड बॉडी मिलने की सूचना उन्हें मिली, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक की पहचान व्यापारी किशन दत्त 80 वर्षीय तावड़ू के निवासी के रूप में हुई है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। जल्दी ही इस हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया जाएगा। आप देख रहे हैं नूह से लियाकत अली की रिपोर्ट। अभी एक सूचना मिली थी कि आर्डर नंबर 60 में एक बुजुर्ग की हत्या हो गई है, तो मैं तुरंत मौके पर पहुँचा हूँ। मौके पर पहुँचने के बाद मैंने वीडियोग्राफी कराई है, फोटोग्राफी कराई है, और अभी मैं विशेषक को मैसेज दे दिया। विशेषक साहब आ रहे हैं जी। पहचान क्या है हुई सर इनकी? ये किशन दत्त गुप्ता जी हैं, नत्थी राम जी के आर्डर के ओनर हैं जी, और ये शहर के जाने माने आर्डर थे जी। अभी हर पहलू से जांच कर रहे हैं, तुरंत ही पोस्टमार्टम करा कर आरोपी को पकड़े। मेरा नाम वीरेंद्र है जी। ये रात को कल 10:30 बजे शाहिद भाई का फ़ोन आया था कि भाई ऐसे ऐसे लाला जी नहीं है और दरवाजे सब खुले हुए हैं, तो ये कहने लगा भाई। मैंने कहा तुम देख लो लाला जी अंदर हैं या कहीं चले गए, मुझे तो मालूम नहीं। 3 बजे तक तो मैंने मंडी में बता रहे थे भाई देखें, उसके बाद जो है इन्होंने शाहिद अर ने ताला लगा दिया जो कि और खुले हुए थे। तो हमने ये सोचा भाई लाला जी कहीं बाहर चले गए होंगे, या तो गुड़गांव जाते हैं या गौशाला जाते हैं, वहाँ चले गए होंगे। हम सुबह आए 11 बजे 10:30 बजे तो शाहिद भाई था नहीं, जो चाबी ले चिखो की चाबी शाहिद भाई के पास ही थी। उसके पश्चात शाहिद भाई 2 बजे आया तो हमने इससे चाबी लेकर ताला खोला, तो मैंने कहा एक बार अंदर ही देख लेते हैं कहीं ऐसा ना हो कहीं बीमार हो गए हों या कोई और बात हो गई हो। ये देखने खोलने के बाद ही जब ये पता चला एक बार ऐसे ऐसे दादाजी के साथ तो वारदात हो गई। उन्होंने चोरों ने क्या किया है, लाला जी को फंदा लगाया है, क्या है, कोई लूटपाट करी है, ये तो अब देखने से पता चलेगा तो कितना क्या है क्या नहीं।